अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं? सब खैरियत है? मैं हूं इरफान हाफिज ब्लॉग से और मस्कत ओमान से। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, तकरीबन 9-10 दिन के बाद ब्लॉग बन रहा है और एक्चुअली क्या हुआ कि 4-5 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार फ्लू, शायद मौसम चेंज हो रहा है इसलिए इधर। तो मेरे दोस्त, उन्होंने रब्ता किया कि क्या मसला है, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियोस नहीं बन रही। तो जो मेरे दोस्त करीबी हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनके पास रब्ता नंबर है, उन्होंने तो फील किया और रब्ता किया कि यार क्या मसला है, क्यों वीडियो नहीं बन रही। तो जिनके पास मेरे नंबर्स नहीं हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी सोचते होंगे। तो ये वजह थी, काफ़ी दिन से बीमार था और उससे पहले एक वीक पूरा काम पे गुजर गया, फ्राइडे वाले भी दिन भी काम था, तो इसलिए फिर 10-15 दिन तकरीबन हो चले हैं वीडियो नहीं बन रही थी। तो मैंने सोचा आज कुछ खास, ना ही तो कोई कंटेंट था मेरे पास, ना ही कोई ऐसी जगह घूमने के लिए जिधर मैं गया हूँ, गर्मी था, रूम में था, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं कल गया था हॉस्पिटल, मैंने सोचा चेकअप करवाता हूँ। चलो बुखार तो चलो एक मौसम की वजह से होता है, वायरल डिजीज है, सब में है, रूम में भी एक दो लड़के उनके उनको भी फ्लू है। तो मैं चेकअप के लिए गया था वहाँ हॉस्पिटल में, दोस्त थे हमारे पाकिस्तान से आए थे अनीस भाई। तो फ्राइडे वाले दिन कोई डिस्काउंट टेस्ट होते हैं, तो उन्होंने एक पैकेज बनाया होता है कि ये टेस्ट जो बॉडी के है ना, होल बॉडी के टेस्ट, वो डिस्काउंट पे करते हैं। तो कहते मैंने करवाने जाना, चलो मैंने कहा चलो चलते हैं, मेडिसिन भी मैंने भी लेनी है तो देखते हैं और चेकअप भी करवा लेते हैं। तो उन्होंने भी चेकअप कराया, मैंने भी चेकअप कराया। एक्चुअली मैं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था किडनी का, उसमें स्टोन वगैरह थी, फिर वो निकल गई, मेडिसिन ली, ऐसे वो बनती रहती हैं, निकल जाती हैं ये। तो कल फिर चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने बोला कि छोटी छोटी स्टोन है। तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इसको, ये बनती रहती हैं, निकल भी जाती हैं, और स्पेशली जो ओवरसीज होते हैं, जो स्पेशल गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती जाती रहती है। पानी का मसला हो जाता है, पानी कम पीना या इग्नोर कर देना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आती रहती हैं। तो खैर मैंने इतना सीरियस भी नहीं लिया और बिल्कुल भी नहीं इग्नोर किया, सीरियस थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ इसको कि ज़ाहिर है इसका परहेज भी करना चाहिए। ऐसे ही बिला वजह जो इधर पानी पीने के लिए होते हैं, कूलर वगैरह जो लगे होते हैं, उनसे पानी नहीं पीना चाहिए वो, क्योंकि इधर का पानी पीने के लायक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि पानी जो अच्छा वाला पानी होता है मार्केट से लेके वही यूज़ किया जाए, वही करते हैं, लेकिन कभी हो भी जाता है, जैसे खेलने के लिए निकल गए या इधर उधर हो गए तो वो पानी जो भी मिला पी लिया। तो सोचा कि ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, पानी अच्छा ही पियेंगे, स्पेशली पीने के लिए जो होता है। बाकी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा छत पे आता हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं, एटमोसफेयर चेंज होगा थोड़ा। रूम में 3-4 दिन हो गए रूम में पड़े हुए हैं, रूम तो 2-3 लड़के और भी हैं ऐसे जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है। तो अभी छत पे आया, सोचा साथ में एक वीडियो भी बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये घूमने के लिए, एक तो बाहर किधर भी जाने को दिल नहीं कर रहा था, फ्राइडे सैटरडे ऑफ था, छुट्टी थी, तो बस रूम में थे। तो मैंने सोचा अभी एक वीडियो बनाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर।
मेन रोड की तरफ आता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और रोड की दूसरी जानब हमारा ग्राउंड है जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। कल मैं ऐसे दूर से देख रहा था उनको खेलते हुए, खेलने नहीं गया था, तबीयत अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा ऐसे ही चला जाऊंगा तो फिर अब थकावट की वजह से मजीद तबीयत ना बिगड़ जाए। ये मस्जिद पहले की तरह, जैसे भी व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ, जबरदस्त है ये जी। फ्रेंड्स, ये था कि मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं क्लोज। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं मेरे, इंशाल्लाह वीडियो चलती रहेगी, लगती रहेंगी, तो आपको वीडियो पसंद आती रहेंगी तो इंक्रीज होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।